पहली ट्रेन दुर्ग से अभी रवाना होने जा रही है कुछ देर में। आस्था ट्रेन को लेकर के भक्तों में बड़ी आस्था है, सारे राम भक्त यहाँ पर जा रहे हैं। करीब 600 से ज़्यादा यहाँ पर जो यात्री यहाँ से इस ट्रेन में जाएंगे, कुल 1000 यात्रियों की व्यवस्था है और 20 कोच लगे हैं इस स्पेशल ट्रेन में। रेलवे ने काफ़ी अच्छी सुरक्षा दी है, सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी होगी, अंदर में खाने पीने की व्यवस्था लेकर सारी वो सुविधा जो एक भक्त को ज़रूरी है। और भक्त को केवल अब इंतज़ार है कब ये ट्रेन चल पड़े और कब वो अपने रामलला के पास पहुंचकर उनके दर्शन कर सके। तो आइए जुड़ते हैं कुछ भक्तों से भी यहाँ पर, जिस तरीके से वो इंतज़ार में खड़े हैं कि किस तरीके से उनका इंतज़ार कब पूरा होगा, कितना इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत नज़दीक है। अब आपकी खत्म हो जा रही है जी। हम तो गदगद हैं और हम लोग नारायणपुर ज़िला से जी, और भगवान राम का बुलावा आया है तो दर्शन के लिए तो पहुंचे नहीं है, और बहुत लंबा संघर्ष रहा और बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि हम जो इतने पीढ़ी गुजर गई और हम ये जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है, ये बहुत सौभाग्यशाली है कि भगवान का आशीर्वाद हम पर हमको मिला और हमको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। बिल्कुल, राम जी के दर्शन को जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि हम राम लला के दर्शन में जा रहे हैं, और हम हमारे ही नहीं हमारे प्रदेशवासियों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और राम लला के दर्शन के लिए हम ये स्पेशल आस्था ट्रेन, हम केंद्र सरकार को बहुत बहुत और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं, और हमारे साथ साथ छत्तीसगढ़ में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो विष्णुदेव साय जी हैं, वो भी रामलला दर्शन के लिए एक स्पेशल योजना लेके आए हैं। सिर्फ हम ही को ही नहीं अपितु बल्कि संपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए हर्ष का विषय है और सभी को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं जय जय श्री राम। जय श्री राम के नारों के साथ आप कहाँ से सर? मैं राजनांदगांव से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से, और हम जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। 500 वर्षों के बाद हम जैसे आम आप लोग पहली ट्रेन में जाने का आप लोगों ने प्लानिंग किया था, किस तरीके से प्लानिंग हुई, कितने लोग आपके साथ हैं? जो जानकारी है हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग हैं और गिन नहीं सक रहे हैं, और लोग गिन भी नहीं पाएंगे क्योंकि भक्ति का सैलाब है, इसे गिनना नहीं चाहिए। पर मैं एक बात आपके माध्यम से पूरे समस्त राम भक्तों के लिए कह देता हूँ कि इस आस्था की ट्रेनों में आप जरूर अपनी टिकट बुक कराएं और जरूर भगवान श्री रामलला के दर्शन इसी वर्ष कर लेवे। 1000 ट्रेन ऐसी निकलने वाली है, आप चुके मत। जय श्री राम। बिल्कुल चुके मत। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेन, ये है आस्था ट्रेन दुर्ग से अयोध्या धाम, स्पेशल ट्रेन है और स्पेशल कोच है इसमें। जिस तरीके से अधिकारियों ने बताया कि सारी व्यवस्था इसमें विशेष रूप से की गई है, यात्रियों को कहीं भी प्लेटफॉर्म में उतरने की ज़रूरत नहीं होगी, उनके खाने पीने का ध्यान रखा गया है, उनके मोबाइल चार्जिंग का ध्यान रखा गया, सारी चीज़ें इसमें है। कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 360 भक्त हैं जो दुर्ग से चढ़ेंगे और 640 पैसेंजर्स जो हैं वो रायपुर से चढ़ेंगे, भाटापारा से 22 और उसलापुर जो कि बिलासपुर का स्टेशन है वहाँ से 300 और आगे पेंड्रा से 17 लोग। तो ऐसे करके टोटल 1344 पैसेंजर्स हैं जो पूरे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य से इस ट्रेन में जाएंगे पहली ट्रेन में। सुरक्षा व्यवस्था कैसी, कितने कोच लगे, क्या सुविधा? टोटल 20 कोचेस हैं, स्लीपर कोचेस हैं ट्रेन में, और पूरी ट्रेन स्लीपर कोचेस के साथ है। उसमें साथ में अंदर में लिनन की व्यवस्था दी है लोगों को, तकिया कंबल चादर और ये सब दिया है, और साथ में उनका लंच का भी व्यवस्था की है, चाय पानी लंच पूरा टाइम का ट्रेन में आगे के स्टेशनों से ही चढ़ाया जाएगा। तो क्या माना जाए, जिस प्रकार से आप लोग व्यवस्था में जुटे हैं, अयोध्या धाम जा रही है पहली ट्रेन खासकर दुर्ग से, तो कितनी खुशी आप लोग अधिकारी होने के नाते? आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लोगों में खुशी की लहर छुटी हुई है, और मुझे लगा था कि केवल काफ़ी वृद्ध लोग आएंगे, बट काफ़ी जवान लोग भी हैं, 15 साल 18 साल 20 साल 35 साल, तो सभी वय के और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ पे, सभी वर्गों के लोग जा रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्साह भरा हुआ है, जय श्री राम के नारों से ही गूंज उठा है पूरा, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग भी और यहाँ की पब्लिक भी, एंड वी आर होपिंग इट विल बी अ सक्सेस। ट्रेन के अंदर RPF के 6 जवान जा रहे हैं प्लस एक सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी जा रहा है, तो टोटल 7 RPF के स्टाफ रहेंगे जिसमें से एक अधिकारी रहेगा, वो ट्रेन में पूरी तरह ट्रेन में साथ में रहेंगे पूरे टाइम में, कहीं पर भी लोगों को ऐसे दरवाज़ा खोलने नहीं दिया जाएगा, ट्रेन बंद रहेगी। स्निफर डॉग्स के थ्रू हमने ट्रेन को पूरी चेकिंग करा ली है, जो कोचिंग डिपो था वहीं पर कल भी चेकिंग हुई थी, आज भी चेकिंग हुई है, और अभी भी ट्रेन के दरवाजे ताले लगे हुए हैं, अभी हम जस्ट अभी ही ताले खोल रहे हैं, तो ट्रेन पूरी तरह से लॉक है। कोचेस भी मॉडिफाई किए हुए हैं, नए कोचेस हैं, अच्छे नया मॉडिफिकेशन किया है उसमें, और मोबाइल लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं कोचेस में, तो आई होप, और फायर एक्सटिंग्विशर्स भी है, तो काफ़ी अच्छी ट्रेन हमने बनाई है। हम अपने शब्द में ना खुशी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इतनी खुशी। हमको राम जी ने बुलाया, हमारा जाना तय नहीं था, दो हस्बैंड वाइफ नहीं जा सकते, मेरे हस्बैंड का था, मेरा नहीं था, पर कुछ लोगों ने कैंसिल किया तो फिर मेरा नंबर लगा है, और मैं बहुत ही ज्यादा अभी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती।
मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज से 2 साल पहले मैं गई थी वहाँ, पर उस समय नेव खुद रहा था। भगवान से प्रार्थना करके आई थी कि भगवान आपके मंदिर बनने के बाद में मेरे को मौका मिलना चाहिए और मेरे शरीर को सही रखना, बस इतना है। मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। बाकी शादियों की जो मुझे आज अयोध्या जाने का मौका मिला है, और मैं इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बस ये समझिए कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे आस्था ही है, राम जी की कृपा है, और हम बहुत भाग्यशाली है जो आपकी गाड़ी मिला है हमको काम करने के लिए। ये हमारे रोज का ड्यूटी है, लेकिन आज का दिन बहुत स्पेशल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम टीवी जे मोहन राव है, दुर्घटपट राजनाथ से हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी अयोध्या धाम जाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत सपनों की तरह लग रहा है। जय जय श्री राम। कुछ और टीम जुड़ रही है, आप लोग कहाँ से आए हैं? बालोस से। कितने लोग हैं आप लोगों की टीम में? 25 लोग हैं। कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं? 10 महिलाएं 15 पुरुष हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या जा रहे हो? हम इतने खुश नसीब हैं कि 500 साल तक की जो लड़ाई चली है उसमें हम आज हैं, और जंग जीत कर हम आज रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बता नहीं सकते। आपके साथ कौन कौन जा रहा है? आपके परिवार से? परिवार से तो नहीं है, बस मैं अकेली हूँ, और हम संगठन परिवार से हैं। जी जी। तो अभी वहाँ जाने का सबसे पहला काम तो अयोध्या दर्शन होगा, उसके बाद में आप क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ से आने के बाद में? वहाँ से मैं आने के बाद तो संदेश मेरा यही रहेगा कि सबको अयोध्या जाना चाहिए। अयोध्या हमारे श्री राम जी का जो जन्मभूमि है, और इतने सालों के बाद में जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वहाँ स्थापित हुआ है, इसके लिए सबको अयोध्या जाके एक बार तो राम जी का दर्शन करके आना चाहिए। बिल्कुल, अयोध्या जाकर राम जी के दर्शन हर किसी को करने चाहिए। हम वो पीढ़ी है कि जो यहाँ पर राम जी को की जो प्राण प्रतिष्ठा होते देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो चुका है, और इस सपने के पूरे होने के बाद में अपने रामलला के दर्शन को हर कोई लालायित है। तो मैं इस वक्त दुर्ग स्टेशन में खड़ी हूँ, आप नज़ारा देख रहे हैं। दुर्ग से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन में राम भक्तों के अयोध्या जाने का। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।